Dear students, today we have to discuss the remaining part of chapter 3. Chapter 3 is the first part of the discussion. Today we have to discuss that is not important for theory, but it is very important for doing the practical in the laboratory. First of all, we have to discuss about the meter bridge. A meter bridge is an instrument to determine the unknown resistance of a conductor. Jekonsi gote conductor ro conductor ro resistance ro mulya amku jana nahi. Se resistance ro mulya ame janiya pai jota use kara jae taku kaje meter bridge. And this is the skeleton of meter bridge, circuit diagram of meter bridge. The arrangement karyo practical kale apre bahut dharana asibo jarke मैथमेटिकल फॉर्मूला होचे एस सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाय एल इनटू आर ओम वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्केल आर इज द रेजिस्टेंस बॉक्स फ्रॉम द रेजिस्टेंस ओके एंड एस इज द अननोन रेजिस्टेंस Next, we have to go rheostat. It is a device. It is a device which controls the electric current in a circuit. जो यंत्र द्वारा circuit रो current टा को control करा जाए, ताकु को जाए rheostat ओली. This is the diagram of a rheostat, and its use is we have to read in. प्रैक्टिकल किंतु होचे कौन होचे ऑपरेशन सो प्रैक्टिकल जानिबा गुडा नेक्स्ट इज योर पोटेंशियोमीटर इट इज ए डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और ईएमएफ ऑफ ए सेल पोटेंशियोमीटर रो अर्थ होचे जो यंत्र द्वारा हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बा ईएमएफ ऑफ एसएल में बाहर करिया से यंत्र को कहा जाए पोटेंशियोमीटर बोली एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर आई पोटेंशियोमीटर रे हमें कोन कोन बाहर कर परिया पोटेंशियल डिफरेंस बाहर कर परिया रेशियो बिटवीन टू ईएमएफ ऑफ एसएल बाहर कर परिया नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एसएल बाहर कर परिया जारे कि तमरा पोटेंशियल डिफरेंस बाहर कर डायग्राम डाला आ द्वारा हमें पोटेंशियल डिफरेंस बाहर कर पारिया आ द्वारा हमें बाहर कर पारिया कंपैरिजन इन बिटवीन टू ईएमएफ ऑफ ए सेल नेक्स्ट दिस सर्किट डायग्राम शोस टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल सब आग हूँ थ्योरी आग जोटा कि पढ़ले आम प्राक्टिकल कर बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस किन बाहर कर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एल इंटू वन बाय 100 वोल्ट वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्केल ईएमएफ हूँ ई1 बाय ई2 इक्वल टू L1 बाय L2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू आर This finishes your chapter 3 in details. अब जो बर्तन आज क्लास जहाँ पढ़ल किसी हरासमेंट हूँ किसी जना पड़ोनि जोटा कि प्राक्टिकल क्लास क्लीयर हे आमको 200 प्रोब्लम रोटे ये असाइनमेंट देसी डेली जब आम 10 प्रोब्लम करवा विदिन 20 डेज ऑल द प्रोब्लम्स आर फिनिश इजिली हेडेक् नियनि ये सबुटा प्रॉब्लम डिटेल्स देखो आउ नेक्स्ट क्लास हमें पढ़िया पले हमरो न्यू चैप्टर
chapter 4, that is moving charges and magnetism. तमर जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन देख जो सर्किट थाई कि जो प्रॉब्लम आग अच्छे सर्किट थाई कि जो प्रॉब्लम अच्छे दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू सर्किट थाई कि जो प्रॉब्लम अच्छे दीज आर 100% श्योर कम इन काउंसिल एग्जामिनेशन सर्किट प्रॉब्लम अदर से का इम्पोर्टेंट बट सर्किट प्रॉब्लम आगे बेसी टे प्रायोरिटी दे दिए है तुम नेक्स्ट क्लास पढ़िया आम गोटे नुआ टॉपिक जोड़ा कि कौन कहते मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड दिस इज द लास्ट क्लास फॉर चैप्टर 3 आज चैप्टर 3 रा लास्ट क्लास सरला नेक्स्ट क्लास आम पढ़िया चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जदि पारुच टेन्थ क्लास ओडिया बहीटार मैग्नेट चुंबक उपर जो पाठ आग अच्छे से पढ़ी था डीपली क्लीयरली आहरी भले ही बुझे बुझला प्रॉब्लम गुड़िक डिटेल्स कर विदाउट प्रॉब्लम यू कैन नॉट अचीव योर रिजल्ट सब गुड़ाक हूँ प्रैक्टिकल आउ किसी ये ना आउ गोटे तुम रहा जो यार मध्य तुमको लैब्रे का देखने जापर गोटे टॉपिक तुम छड़ा है सब गुड़ाक पाठ डिटेल्स पढ़ाई नेक्स्ट क्लास आम पढ़िया चैप्टर 4 चैप्टर मैग्नेट विथ मूविंग चार्जेस एटा गोटे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हूँ तुम चैप्टर 3 रो देखी दिए टे भेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हूँ तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी परे तुम आसला इम्पोर्टेंट लॉन्ग आगे कथा मुझे रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट देन तुम इम्पोर्टेंट हूँ भेरी इम्पोर्टेंट हूँ किर्चॉफ्स लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी जदि यूनिट बा ई चैप्टर तुम लॉन्ग क्वेश्चन आसो तबे बहुत इम्पोर्टेंट हूँ पिले किर्चॉफ्स ला देन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल जदि किर्चॉफ्स ला आसो तो फर्स्ट ला लिखो सेकेंड ला लिखो विथ तुम कौन लिखो वेस्टर्न ब्रिज आप्लिकेसन लिखो ये तीन टाक मिसले गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हो सब आग मध्य चैप्टर 3 भेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तुम किर्चॉफ्स लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन टू द वेस्टर्न ब्रिज डिटेल्स पढ़ो एनी डाउट पचार पिले है एनी डाउट एनी मोमेंट पचारि पारो